हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ्रप्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ऑलमोस्ट मुझे देख रहे हो, मैं तैयार हो चुकी हूँ। किस लिए मैं आप लोग से बता रही हूँ, सस्पेंस में नहीं रखूँगी, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, मैं बर्थडे पार्टी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। सामने में ही है, घर के सामने में ही है, और किसका है वो भी बता रही हूँ। मेरे सिस्टर का बेटा का बर्थडे है, जो कि सामने में ही है, तो हम उसी के लिए तैयार हो चुके हैं। और साथ में हम लोग निकल भी चुके हैं। सॉरी, इतना गर्मी के वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं, और ज़्यादा मेकअप भी नहीं की हूँ। मेकअप की थी, लेकिन सारा गर्मी में पसीने से सारा मेकअप धुल गया है। सो देख रहे हो मेरा मेकअप कैसा है। और फिलहाल सब जगह घूमते हुए लास्ट में मैं अपने सिस्टर के घर पहुंची हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो जोरों शोरों से बर्थडे पार्टी के लिए सब कोई तैयार हो चुकी है, और सब कोई अपना अपना फ़ोटो खिंचवा रही है। कोई मोबाइल में व्यस्त है, तो कोई वगैरह 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 वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, साथ में रहिए। और ये देखिए, ये फैमिली ग्रुप है, जो कि मेरे सिस्टर का ससुराल वाले लोग हैं, और सब कोई अपना अपना पोज देते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और हम लोग भी इस मौके को क्यों छोड़े, सो हम लोग भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं हम लोग, और ख़ास करके हम शुभ्रप्रिया कैसे लग रहे हैं। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक फ़ोटो चल ही रहा है, फ़ोटो खिंचवाना सिखवाना, तो आप लोग देखिए। और बस यही छोटा मोटा आप लोग से क्लिपिंग मैं शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अभी और लाइटिंग देख रहे हो फ्रेंड्स, लाइटिंग भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन गर्मी में सब कोई बेहाल है। गर्मी के मौसम में मतलब कुछ पार्टी में तैयार होना या रेडी होना, पार्टी में जाना सबसे बड़ा मुसीबत लगता है। तो सामने में बॉक्स है, और बैकग्राउंड गाना बज रहा था, इसीलिए म्यूट होना पड़ा है और वॉइस देना पड़ रहा है। तो ये देखिए, बर्थडे बॉय है, और मैं उसको गिफ्ट दे रही हूँ। तो और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग को भी क्या बोलते हैं उसको, जीभ में पानी आ रहा होगा ये पेस्ट्री देख के, ये बर्थडे केक देख के। और 10th ईयर्स, और मेरे सिस्टर का बेटा 10th ईयर्स हो गया है, और केक बहुत ही दिखने में खूबसूरत लग रहा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को तो छोड़िए, मुझे इतना पसंद है, ऐसा लगता है कि मतलब सबसे पहले मुझे ही केक दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अफसोस, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और शादी हो चुका है, इसीलिए अभी बच्चे लोग को ही केक मिलेगा सबसे पहले, कोई बात नहीं। और ये देखिए, केक कटिंग हो गया है, और अपने मम्मी पापा मेरे सिस्टर एंड मेरे जीजू को केक खिलाया जा रहा है, और लगाया भी जा रहा है। तो सब कोई अभी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, छोटा मोटा बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में देखते रहिए। पार्टी शार्टी हो जाने के बाद अब हम लोग रात के डिनर के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी मेहमान सब आए नहीं हैं, सबसे पहले हम लोग बैठ गए हैं, क्योंकि हम लोग घर के लिए भी रिटर्न होना था। तो छोटा मोटा आयोजन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, कम लोगों में ही, और बहुत अच्छे से खाने का और बंदोबस्त जो किया हुआ है यहाँ पे,
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देख के आप लोग भी ज़रूर शेयर करना। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक आया नहीं है लेकिन आने वाला है। सो देखिए अभी थाली परोस चुका है और साथ में ये थोड़ा बहुत डिनर अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। साथ में और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं खाऊं या आप लोग से वीडियो शेयर करूं, इसीलिए मैंने सोचा पहले खा लेती हूं उसके बाद आप लोग को बाकी का वीडियो शेयर करूंगी। इसीलिए खाने का वीडियो नहीं दिखाई हूं आप लोग से। ऑलरेडी मैं फ़ोटो दो चार फ़ोटो मैं खिंचवाई हूँ तो वही फ़ोटो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताना कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।